हेलो बच्चों, आज हम कंप्यूटर के जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो है हमारे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, एएलयू एंड देन सीयू। ठीक है, इसी तरह के नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे इस चैनल पे। अगर आप आगे से मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस को जल्दी से देखना चाहते हैं, जैसे मैं अपना वीडियो कोई अपलोड करता हूँ, तो जल्दी से आपने इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जिसके कारण क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको झट से उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड देन कंट्रोल यूनिट। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये रहा डायग्राम। बड़ी सारी बुक्स में, जैसे इस एग्जाम्पल में भी क्या किया गया है कि इनपुट और आउटपुट यूनिट को अलग रखा है, और सीपीयू के थ्री पार्ट दिए गए होते हैं, जैसे एएलयू, सीयू और एमयू, मेमोरी यूनिट। तो बुक्स में भी और सारी जगह पे ऑनलाइन भी ये गलत दिखाया जाता है। सीपीयू के मेनली दो ही पार्ट होते हैं, एक एएलयू और एक सीयू। जो मेमोरी यूनिट होता है, जो स्टोरेज का काम होता है, वो होता है डिफरेंट होता है, ये एक अलग यूनिट है। ठीक है, तो आज हम, वैसे तो ये छः पार्ट्स हैं, छः कॉम्पोनेंट हैं, बट मेनली हम जिन टॉपिक की बात करूंगा मैं, इसमें हम ये लास्ट के तीन टॉपिक देखेंगे, हम सीपीयू, एएलयू एंड देन कंट्रोल यूनिट। ठीक है, ऊपर मतलब ये मैं वीडियो फिर कभी बनाऊंगा, बट आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा सीपीयू, एएलयू एंड देन सीयू। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं रहेगा कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, और एक बात और, ये जो थर्ड पॉइंट है स्टोरेज यूनिट, इसको मेमोरी यूनिट इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, और याद रखना सीपीयू के दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट नहीं होते, एएलयू एंड सीयू। राइट, तो सबसे पहले हम इसको हिंदी में देखेंगे, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में देखेंगे। हिंदी में इसलिए क्योंकि बड़े सारे बच्चे हमको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो पहले थोड़ा सा आइडिया हम हिंदी में ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हम सीपीयू पे। तो देखो, ये बॉक्स आपने देखा है, काफ़ी बार आपने कोई भी कंप्यूटर देखा होगा, तो ये सामने ये जो डब्बा जैसा होता है, इसको बोलते हैं हम सीपीयू। ठीक है, बट एक्चुअल में ये जो डब्बा है, ये सीपीयू नहीं होता, सीपीयू बहुत ही छोटी सी चिप होती है इस तरह से। ठीक है, अब जब हम कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो ये सीपीयू यहाँ पे मिलेगी, इस जगह पे। ठीक है, तो यानी ये सारे बॉक्स को जनरली हम सीपीयू बोल देते हैं, बट एक्चुअल में सीपीयू ये होता है। ठीक है, और साथ ही ये मदरबोर्ड में यहाँ पे लगा होता है, और इसके ऊपर फैन लगा होता है। अब इसी बॉक्स को हम थोड़ा और ओपन करें, तो इस तरह से निकलेगा, ये जो फैन लगा है, इस फैन के अंदर मतलब इस फैन के नीचे सीपीयू रखा होता है। ये फैन सीपीयू के ऊपर इसलिए रखा होता है क्योंकि कंप्यूटर जब काम करता है तो ये सीपीयू जो है हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये सीपीयू काम करना बंद कर देता है, तो इसी को ठंडा करने के लिए ये फैन यहाँ पे लगाया गया होता है। और ये सामने मतलब पावर पावर बटन होते हैं, पेन ड्राइव के लिए पोर्ट होते हैं, ये आपकी हार्ड डिस्क है। ठीक है, यहाँ पे सीडी रूम होता है, डीवीडी वगैरह डालते हैं हम यहाँ पे, ये रैम स्लॉट है, ये ग्राफिक्स कार्ड है, ये सब यहाँ पे दिए गए। ठीक है, और ये पीएसयू होती है, पावर सप्लाई यूनिट, यहाँ पे पावर वगैरह लगी होती है हमारी, पावर मतलब सीपीयू को कनेक्ट करते हैं हम। ठीक है, तो मेनली हम चलो सीपीयू को देख लेते हैं। अब जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू के बारे में बताइए, तो हिंदी में बिल्कुल सिंपल लिखना है, कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिंपली लिखोगे, पहले तो इसका फुल फॉर्म, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, एक लाइन ये होगी, कुछ भी आपको ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं पड़ेगा दिमाग में इस लाइन को याद करने के लिए। जस्ट जो क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या व्हाट इज सीपीयू, तो पहली लाइन आप लिख दोगे कि इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकेंडली, सीपीयू कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है, जो सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। अब देखो, ये जो सीपीयू होता है,
किसी भी कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है मेन पार्ट, अगर सीपीयू नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिना सीपीयू के। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने भी काम हम कंप्यूटर से लेते हैं, वो सारे काम जो है सीपीयू करता है। अब फॉर एग्जांपल देखो, जब आपको कहीं भी हाथ में या पैर में सुई चुभ जाए, तो स्किन को तो यानी उस जगह को तो पता लगेगा ही कि सुई कहाँ चुभी है, बट इस बात को समझता कौन है? आपका दिमाग। तो वैसे ही ये सीपीयू होता है, जो भी काम कंप्यूटर को दिया जाता है उस काम को यही करता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है इंस्ट्रक्शन को लेना, प्रोसेस करना एंड देन आउटपुट देना यूजर्स के लिए, ठीक है। सो इसका ये प्राइमरी यूनिट होता है, मतलब सबसे एसेंशियल पार्ट होता है कंप्यूटर का, जो कि इंस्ट्रक्शन को लेता है यूजर से और उनको प्रोसेस करता है। उसके बाद आप लिखोगे ये लगातार ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस को चलाता रहता है, यानी आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने विंडोज 7 डाली है, 10 डाली है, या फिर लिनक्स यूनिक्स जो भी विंडो आपने डाली है, और उसके ऊपर आप जो भी एप्लीकेशंस ओपन कर रहे हो उन सबको चलाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। सीपीयू के द्वारा ही आप सारे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे जो ये सबसे ऊपर मैंने लिखा था कि ये इंस्ट्रक्शन को लेता है, ये प्रोसेस करता है यूजर के इंस्ट्रक्शंस को, तो वही लाइन है ये भी कि इसके साथ ही यूजर के द्वारा किए गए इनपुट को रिसीव करता है। यानी जैसे आप देखो, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी मेरे से इंस्ट्रक्शन ले रहा है ये। सो इसके साथ ही क्या होता है, ये यूजर द्वारा इनपुट को लेता है और उसके आधार पर दूसरे सभी सॉफ्टवेयर को चलाता है। यानी यूजर कोई ना कोई इनपुट देगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है, ठीक है। और इसका लास्ट लाइन आप लिखोगे, ये इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज सीपीयू। पहले फुल फॉर्म लिख देंगे, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड पॉइंट है कि ये एक प्राइमरी यूनिट होता है, ठीक है, जो कि सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, जो भी कंप्यूटर को काम दिया जाता है ये सारे उन कामों को यही करता है आपका सीपीयू। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है और जितने भी एप्लीकेशन है उनको लगातार चलाने में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद लिखेंगे आप कि ये यूजर के इनपुट को रिसीव करता है और जैसा जैसा इनपुट आया है या इंस्ट्रक्शन आया है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। जैसे अब देखो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रीवियस कर दूं तो ये मतलब ये लाइन चली गई, नेक्स्ट करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। यानी जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ यूजर से, जो भी इंस्ट्रक्शन ये ले रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। सो यूजर के डाटा को प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। अभी देखो ये इस स्लाइड का ये लास्ट लाइन है, ठीक है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाएगा, यानी नेक्स्ट पेज जो है इसका ओपन हो जाएगा। तो ये काम सारा आपका सीपीयू कर रहा है, ठीक है। अब इसके हम दो पार्ट्स देख लेते हैं। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक एएलयू और सेकंड होता है आपका कंट्रोल यूनिट। ये जो एएलयू है ये काम करते हैं आपके जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, अर्थमेटिक से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन हैं उनको अर्थमेटिक यूनिट कंप्लीट करती है, और जो लॉजिकल यूनिट है आपके लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। जैसे आपने यस और नो में रिप्लाई करना है, या किन्हीं दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है या इक्विवेलेंट करना है, तो उस केसेस में हम लॉजिकल यूनिट का काम करते हैं। फिर आ जाती है हमारी कंट्रोल यूनिट। इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करना और ये कंप्यूटर्स की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है। सीपीयू काम परफॉर्म करता है, बट वो काम कब करना है, कैसे करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है या ये सारा काम करता है कंट्रोल यूनिट। इसको हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन पे आ जाते हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल और डेफिनेशन है इसकी। जैसे आपको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि व्हाट इज एएलयू या एक्सप्लेन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तो इसमें आपने सिंपली लिखना है एएलयू अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जैसे अर्थमेटिक कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, जोड़ घटाव गुणा भाग, और लॉजिकल कैलकुलेशन जैसे स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू हाँ या ना का काम करता है। यानी जहां पे कंपैरिजन करना हो नंबर का, फॉर एग्जांपल आप एटीएम में आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे आपने बैलेंस चेक करना है, मनी ट्रांसफर करनी है, या फिर जब आपने पैसे निकालने हैं तो उसका स्लिप लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो वहां पे आप क्लिक करते होंगे यस नो विड्रॉ, सेलेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है।
तो मतलब इस तरह के काम के लिए जैसे हाँ या ना, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन करता है। और जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस गुना किसी भी टाइप की कैलकुलेशन, तो उसको अर्थमेटिक यूनिट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंट्रोल यूनिट पे। तो इसमें लिखा है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में हो रहे सारे कार्य नियंत्रित करता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के सारी गतिविधियों के बीच तालमेल बिठाता है। यानी कंप्यूटर में जो भी काम हो रहे होते हैं, काम तो सीपीयू करेगा, बट उनको कंट्रोल करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का। यही सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि अभी आपको ये काम करना है, ये काम इस तरह से होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेन ड्राइव से कोई डाटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करना है, जैसे डी ड्राइव में, तो कंप्यूटर को ये सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देगा, यानी कंट्रोल करेगा उसको कि आपको इस एड्रेस से या इस ड्राइव से डाटा उठाना है और यहाँ पे कॉपी कर देना है। ठीक है, तो उस डाटा को कंट्रोल करेगा ये, तभी आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह पे बिल्कुल एफिशिएंटली कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, मूव हो जाता है। तो डेफिनेशन में आपने इतना ही लिखना है, अगर इसको थोड़ा और ज़्यादा लिखना हो आपने, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, आपका काम यहीं से हो गया कि ALU क्या होता है और CU क्या होता है। हिंदी वाले जो भी हैं, ये आपका हिंदी का पार्ट हो गया, मतलब CPU का डेफिनेशन हो गया, और यहाँ से आपका कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो गया। बट थोड़ा और ज़्यादा लिखना चाहते हो बच्चे, तो इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थमेटिक यूनिट का काम होता है अंक गणित से जुड़े प्रॉब्लम को हल करना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम का हल इन्हीं ऑपरेशन की मदद से किया जाता है। यानी आप कैलकुलेटर का यूज़ करके कंप्यूटर में या कहीं भी एक ही लाइन में बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा, कॉस थीटा, रेडियन, पाई, हर एक प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है अर्थमेटिक यूनिट। लॉजिकल यूनिट का काम होता है लॉजिक, लॉजिकल काम करना, लाइक कंपेयर करना, दो नंबर्स को कंपेयर करना, फिर चूज करना, सेलेक्ट करना, कोई नंबर मैच करना या फिर उनको मिला देना। तो ये सारे काम जो लॉजिकल यूनिट करता है। नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट आ जाती है फिर से। जैसे कि ये नाम ही बता रहा है कि इस यूनिट का काम है नियंत्रण करना, यानी ये यूनिट क्या करती है, कंट्रोल करती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, यानी कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स, जैसे प्रिंटर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए, कीबोर्ड, माउस, इन सारे काम को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट ठीक से काम करेगा तभी आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट आपस में अच्छे से काम करेंगे। अगर कंट्रोल यूनिट अपना काम सही से ना करें तो ये कंफ्यूज हो जाता है, सीपीयू हैंग हो जाता है या फिर एरर आ जाएगा, कोई काम नहीं करेगा ये। ठीक है, और ये यूनिट वास्तव में डाटा प्रोसेसिंग का काम नहीं करती, और जो कंट्रोल यूनिट होती है ये किसी भी टाइप का डाटा प्रोसेस नहीं करती है। इसका सिंपली काम होता है कि जितने भी पार्ट्स है कंप्यूटर के, लाइक इन माउस, कीबोर्ड हो गया या कोई भी काम चला हुआ, उसको कंट्रोल करना, ताकि वो काम जो अच्छे से कंप्लीट हो सके। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट के मुख्य फंक्शन, मतलब मेन फंक्शंस आप देख लेते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में करती क्या है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कंप्यूटर के दूसरे यूनिट तक इंस्ट्रक्शन और डाटा के ट्रांसफर को कंट्रोल में रखने की जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट की होती है। यानी कंप्यूटर में अगर आप कोई आप डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उसे काम दे रहे हैं काम करने के लिए किसी भी टाइप का सीपीयू को, तो वो जितना भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है या काम हो रहा है, उन सबको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी ये सारी जिम्मेदारी कंट्रोल यूनिट की होती है कि आपका डाटा अच्छे से ट्रांसफर हो सके, इंस्ट्रक्शन अच्छे से एग्जीक्यूट हो सके और आउटपुट भी ठीक से आना चाहिए। सेकेंडली, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी यूनिट को मैनेज और कोऑर्डिनेट करने का काम भी करती है। यानी बाकी जो अदर यूनिट होते हैं, लाइक इनपुट यूनिट हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, स्टोरेज यूनिट हो गया, है ना, बाकी जो मतलब 6 यूनिट्स आपको बताई थी मैंने, उनमें से जो 5 यूनिट बच जाती है, उन सबको ये मैनेज करता है और उनमें तालमेल बिठाए रखता है, ताकि कोई भी काम जो वो गलत ना हो जाए, एरर ना आ जाए, ठीक है, सही काम करें। तो उन सबको यानी कोऑर्डिनेट करता है, उनमें तालमेल बिठाए रखता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आ जाता है, ये मेमोरी में इंस्ट्रक्शन को रिसीव करती है, इसके बाद उसे इंटरप्रेट करके कंप्यूटर के ऑपरेशन को डायरेक्शन देती है। यानी जब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, कोई काम देते हैं सीपीयू को, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगी, जैसे कॉपी करना है
या पेस्ट करना है, डिलीट करनी है कोई चीज़, तो यानी उस इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखती है, फिर उसका मीनिंग दिखाती है। कंप्यूटर तो बाइनरी सिस्टम ही समझता है, कंप्यूटर है ना, तो उसका मीनिंग निकालती है कि एक्चुअल में ये काम क्या करना है, ठीक है। फिर वो डायरेक्शन देती है सीपीयू को कि हमें ये काम करना है, जैसे डिलीट किया तो वो डिलीट को अपने पास लेगी, फिर उसका इंटरप्रेट यानी उसका मीनिंग निकालेगी कि यूज़र क्या करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, फिर सीपीयू को बताएगा कि इस जो आइटम इसने सेलेक्ट की है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है मेमोरी यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करके डाटा और रिजल्ट को ट्रांसफर करती है, यानी कोई भी काम करते हैं तो कंप्यूटर का काम क्या होता है, इनपुट लेना, उसको प्रोसेस करना, मतलब डाटा लेना, उसको प्रोसेस करना और फिर आउटपुट देना। तो बाकी जितनी भी यूनिट हैं इन सब के साथ ये कम्युनिकेट करने का काम करता है, और साथ में जो भी डाटा है ये रिजल्ट है उसको यूज़र के लिए दिखाता है, यानी आउटपुट दिखाता है। तो ये सारा काम जो है कंट्रोल यूनिट करती है। तो आप देख लो कि काम तो सीपीयू करता है, बट उसको बताता कौन है कि काम क्या करना है, कंट्रोल यूनिट बताती है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की ओवरऑल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है। सारे अदर यूनिट हैं उनके काम को कंट्रोल करती है, उनको बताती है कि आपको क्या काम करना है। अगर कंट्रोल यूनिट नहीं होती तो सीपीयू नहीं समझ पाता कि हमें क्या काम कैसे कब करना है, ठीक है। यानी इस यूनिट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट ना तो डाटा को प्रोसेस करने का काम करती है ना ही डाटा को स्टोर करती है, यानी ये किसी भी टाइप के डाटा को ना तो स्टोर करती है ना ही प्रोसेस करती है। जैसे ऊपर लिखा है ना मेमोरी में इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन लेती है। इंस्ट्रक्शन मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज़ कॉपी डिलीट पेस्ट करनी है या कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन को अपने पास रखती है ताकि वो सीपीयू को बता सके कि हमें क्या करना है। जैसे कोई सॉन्ग चलाना है, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, ठीक है, किसी भी टाइप के डाटा को स्टोर नहीं करती है ये, ना तो डाटा को प्रोसेस करती है, ठीक है। अब ये देखने के बाद हम देख लेते हैं, आपने कंट्रोल यूनिट देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं कि सीपीयू, सीपीयू के बारे में क्या क्या देखा। अब ओवरऑल सीपीयू के बारे में देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि सारे काम जो है कंप्यूटर ही करता है, कंट्रोल सॉरी सीपीयू ही करता है और कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल करने का काम करती है। सेकेंडली सीपीयू सभी प्रकार के डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है, ठीक है, जितने भी डाटा प्रोसेसिंग के काम है वो सारे कौन करेगा, सीपीयू करेगा, बट ये जो डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन उसने परफॉर्म करना है ये बताता कौन है, कंट्रोल यूनिट बताती है उसको। ये डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ये डाटा को स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन सबको स्टोर करने का काम भी सीपीयू करता है। इसके साथ ही कंप्यूटर के सभी पार्ट के प्राय सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट इसके पास ही होती है, सीपीयू के पास ही होती है ना कंट्रोल यूनिट, है ना, तभी ये लिखा है कि ये सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मतलब हिंदी का जो भी पार्ट था वो मैंने आपको करवा दिया, अब हम इंग्लिश में देखेंगे। अगर आपको हिंदी में समझ में आ गया होगा तो इंग्लिश में आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे, कुछ बड़ा ज़्यादा यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है ये, ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जैसे मैंने हिंदी में लिखवाया था, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड एज ए प्रोसेसर, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है। इज द मेन पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है, यानी कंप्यूटर का ये ब्रेन है। विच प्रोसेसेस डाटा गिवन बाय यूजर एंड प्रोड्यूस आउटपुट, जिसका काम क्या होता है, यूजर से डाटा लेना और उनको प्रोसेस करके आउटपुट देना, ठीक है। सो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। ये कंप्यूटर का मेन पार्ट और ब्रेन होता है, जिसका काम होता है यूजर से इनपुट लेना, डाटा लेना, उसको प्रोसेस करना एंड देन आउटपुट देना। इसके दो पार्ट होते हैं, ALU एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ALU का जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को करने के लिए, तो सिंपली हम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में लिखेंगे, द ALU एंड कंप्यूटर आर कैपेबल और रिस्पॉन्सिबल ऑफ परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी ALU जो यूनिट है उसमें ये क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके, एज वेल एज अ लॉजिकल ऑपरेशन।
और जो लॉजिकल ऑपरेशन हो गए जैसे कंपैरिजन, इक्विवेलेंट और यस और नो के ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है। फिर कंट्रोल यूनिट आ जाता है, इट कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर ऑपरेशन ऑन एनी कंप्यूटर्स। यहाँ पे गलत लिख दिया है, कंप्यूटर्स आएगा, एक मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर्स। ठीक है, यानी ये क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसर इट सेल्फ। देखो इस लाइन को फिर से ध्यान से देखो, कंट्रोल यूनिट में मैंने क्या बोला था कि ये काम नहीं करती है, खुद काम नहीं करती है, ये सीपीयू को बताती है कि काम क्या करना है, कंप्यूटर के पार्ट को बताती है क्या काम करना है, जैसे कीबोर्ड क्या काम करेगा, माउस क्या काम करेगा, प्रिंटर क्या काम करेगा। ठीक है, ये सारा काम जो कंट्रोल यूनिट करती है, कंट्रोल यूनिट एक एक पार्ट को बताती है कि आपको अभी क्या काम करना है, यूजर क्या करना चाहता है। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक, एक बार फिर से देख लो, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, कंप्यूटर का ये ब्रेन है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा यूजर से, उनको प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट देगा। दो पार्ट्स हैं ALU एंड कंट्रोल यूनिट। ALU का काम है अर्थमेटिक रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, लाइक सिंपल मैथमेटिक्स, और जहाँ पे लॉजिक आ जाता है, लाइक किन्हीं दो नंबर्स को कंपेयर करना या फिर किसी भी आंसर का यस और नो में आंसर देना, तो वो सारे काम लॉजिकल ऑपरेशन में आते हैं, इनको परफॉर्म करता है। फिर नेक्स्ट हमारी कंट्रोल यूनिट, ये सारे हार्डवेयर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, यानी आपका जो CPU है उसको क्या काम करना है, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है लास्ट में कि इनपुट आउटपुट स्टोरेज यूनिट और प्रोसेसर इटसेल्फ, प्रोसेसर यानी CPU, यानी ये CPU के काम को भी कंट्रोल करता है। ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन आप यूजर्स कंप्यूटर को देते हैं, ये उन सारे इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, उनको इंटरप्रेट करेगा, यानी समझेगा कि यूजर क्या करना चाहता है, फिर उसके अकॉर्डिंग CPU को बताता है कि अभी आपको ये काम करना है। ठीक है, और CPU मतलब कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शन लेता है और फिर उस टास्क को परफॉर्म करके देता है। आपने प्रिंट की कमांड दी है, कंट्रोल यूनिट CPU को बताएगा कि अभी प्रिंट कर दो। आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की है, कंट्रोल CPU को बताएगा कि अभी आइटम सेलेक्ट हुई है, फिर आप उसको कॉपी करो, पेस्ट करो या डिलीट कर दो, तो वो भी इंस्ट्रक्शन वो CPU को देगा आपका कंट्रोल यूनिट कि यूज़र अब इसको डिलीट करना चाहता है, कॉपी करना चाहता है या फिर पेस्ट करना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं और ALU क्या करता है और CU क्या करता है, जो मेनली टॉपिक थे मेरे। ठीक है, मेरे जो टॉपिक थे वो, और स्टोरेज यूनिट सिंपली डाटा को स्टोर करने का काम करती है, आउटपुट यूनिट डिस्प्ले करेगी लाइक प्रिंटर हो गया या मॉनिटर हो गया, इनपुट यूनिट कंप्यूटर में डाटा देने का काम करती है। इसके बारे में मैं फिर कभी बता दूंगा, ये जो तीन ऊपर की बची हैं। आप आज मेरा मेन काम था आपको बताना कि व्हाट इज CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, व्हाट इज ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एंड व्हाट इज कंट्रोल यूनिट CU। ठीक है, चलो ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बाय, ओके।